छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के सबसे बड़े ब्लॉक डोंगरगढ़ जो कि धर्मनगरी के नाम से प्रसिद्ध है और यहां पर सभी धर्मों के धार्मिक स्थान देखे जा सकते हैं। अनेकों पहाड़ों पर देवी देवताओं का वास है। इसी क्रम में यहां पर प्रसिद्ध व ऐतिहासिक श्री जटाशंकर मंदिर शिवधाम पर्वत पर स्थापित किया गया है। इस पर्वत पर 2 एकड़ चट्टानों के बीच भगवान शिव का मंदिर स्थापित किया गया है। साथ ही मंदिर के पास भूगर्भ से पत्थर का शिवलिंग भी निकाला है। हर वर्ष महाशिवरात्रि पर मेले का आयोजन किया जाता है। पर्वत पर आने जाने के लिए सीढ़ियां नहीं होने के बाद भी हजारों लोग यहां दर्शन के लिए पहुंचते हैं। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल मां बम्लेश्वरी देवी जी की पावन नगरी डोंगरगढ़ के दक्षिण दिशा में विशाल शिवधाम पर्वत है, जहां पर भगवान शिव विराजमान है। जिस पहाड़ी पर भगवान शिव विराजमान है वह पर्वत अपने आप में शिवलिंग का आकार लिए हुए है। यहाँ पर अनेकों पत्थरों में नाग देवता का आकार प्रकृति रूप से बना हुआ है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। सावन के महीने में यहाँ पर नाग नागिन का जोड़ा देखा जाता है। क्षेत्र के बुजुर्ग लोग बताते हैं कि इस जगह पर बहुत बड़ा आस्था मूलक समाज शंभु महादेव के त्रिशूल मार्ग का अनुयायी था। शंभु महादेव ने स्वयं इस क्षेत्र का भ्रमण कर त्रिशूल मार्ग का ज्ञान दिया था। उनके द्वारा बताए गए इस त्रिशूल मार्ग से सत्य ज्ञान का साक्षात्कार होता है। श्री जटाशंकर मंदिर के इर्द गिर्द तलहटी में जो अनेकों गुफाएं विद्यमान हैं, लोगों का यह भी कहना है कि शंभु महादेव के त्रिशूल मार्ग में आस्था रखने वाले विचारकों का मत है कि यहां बैठ के सभी अनुयायी शंभु महादेव के द्वारा त्रिशूल मार्ग के श्रवण से लोग महाज्ञानी योगासिद्ध और शक्तिशाली बनते हैं। सावन के माह में कई बार नाग नागिन का जोड़ा देखा गया और वह भी काफी उम्र दराज के नाग नागिन हैं जो दिखाई देते हैं। काले और भूरे रंग का इस प्रकार का यह स्थान आदिकाल से बहुत ही पवित्र एवं वंदनीय रहा है। इस स्थान की अलौकिक सुंदरता को देखते हुए ऐसा लगता है कि हजारों वर्ष पूर्व यहाँ किसी अद्वितीय महामानव का आगमन हुआ होगा। यह स्थान स्वयं को प्राकृतिक कालचक्र में समायोजित किए हुए अपने वास्तविकता अस्तित्व को बनाए हुए है। प्राचीन लोगों की ऐसी मान्यता रही है कि शंभु महादेव अमरकंटक पर्वत से विचरण करते हुए यहां पहुंचे थे तथा यहां से होते हुए वे पचमढ़ी के लिए प्रस्थान किया था। इस पर्वत में ऋषि मुनियों का आना जाना भी लगा रहता था, क्योंकि पर्वत पर आज भी जगह जगह जड़ी बूटी पौधे हैं जो अनेकों बीमारी के उपचार में काम आते हैं। महाशिवरात्रि के अवसर पर श्रद्धालुओं ने यहां पहुंचकर विशेष पूजा अर्चना की और भगवान शिव के दर्शन किए। देखिए सोन कुमार सिन्हा वो प्रणय अग्रवाल की संयुक्त रिपोर्ट। आज कहां से आए आप? मैं राजनांदगांव से आया हूं भैया। आपको कितना साल हो रहे हैं आए? मेरे को आते हो गया पूरा 5 साल हो गया, ये पूरा 5 साल हो गया। और मैं राजनांदगांव से आता हूँ, 40-45 किलोमीटर पड़ता है और यहाँ सीढ़ियाँ भी नहीं है, लेकिन आने में कोई परेशानी नहीं है। बुजुर्ग भी आ सकते हैं, बच्चे भी आ सकते हैं और यहाँ का दृश्य, यहाँ का मनोरमन बहुत शानदार है। कैसा लगता है? आनंद लगता है, आनंद आता भी है, बहुत शांति मिलती है यहाँ, शांति मिलती है यहाँ। हाँ बताइए, आज कैसा लग रहा है आपको दर्शन? बहुत ही आनंद की अनुभूति हो रही है इस मंदिर पर दर्शन करके। ये मंदिर जो है काफ़ी अपने आप में पुराना मंदिर है और लोगों की भावनाएं दिन पर आस्था दिन पर दिन लोगों की यहाँ बढ़ती जा रही है और यहाँ आने और जाने वाले लोगों की भी संख्या दिन पर दिन बढ़ते जा रही है। इसकी मान्यता को देखते हुए और यहाँ जिस हिसाब से पर्यटन के हिसाब से जिस हिसाब से केंद्र सरकार ने यहाँ प्रसाद योजना डोंगरगढ़ धार्मिक क्षेत्र के हिसाब से यहाँ पर दी गई है, मैं तो शासन से अनुरोध करूँगा कि डोंगरगढ़ के इस जटाशंकर मंदिर में भी उस राशि का यहाँ पर थोड़ा सा उपयोग किया जाना चाहिए, ताकि इस क्षेत्र, ये जो मंदिर है इसके आसपास जो है ऐसा वातावरण बने कि लोगों को यहाँ आने में सुगमता मिले और ये पर्यटन स्थल के रूप में डोंगरगढ़ में और आसपास के क्षेत्र में पहचाना जाए, ताकि यहाँ मंदिर के बारे में। जटाशंकर मंदिर मैं करीब 4-5 साल से आ रहा हूँ यहाँ पर और शहर के पास में बहुत ही अच्छा एक यहाँ का मनोरम दृश्य है। पर्व के समय में बहुत सारे लोग आते हैं सावन के महीने में और ये महाशिवरात्रि के पर्व पे, और यहाँ सरपराज देखा गया है जिनके दर्शन लोग करते हैं और शिव जी की पूजा करने के लिए आते हैं ऐसा कहा जाता है, और बहुत ही सुकून मिलता है इस मंदिर में आने के बाद।
और मेरी मनोकामना तो पूर्ण हुई है और दर्शन करने के लिए मैं हमेशा आता हूँ यहाँ पर महाशिवरात्रि के दिन सावन के महीने में। और बहुत ही अच्छा मनोरम दृश्य है, कॉलेज का आसपास का दृश्य है। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।